लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कोरोना नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की। आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बोलते हुए बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने टीकाकरण में लगे हुए चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। उन्होंने मुंबई में जल्द टीकाकरण के लिए सभी प्रभागों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने और बिना आधार कार्ड वाले साधु सन्यासियों, फकीरों और मौलवियों को भी कोविड वैक्सीन देने की अपील की। गणेश नाइक ने आज मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में कोरोना नियंत्रण उपायों को और गंभीरता से लागू करने, कोविड वैक्सीनेशन के लिए नियुक्त मनपा कर्मियों को बुजुर्गों के साथ आत्मीयता रखने के लिए प्रोत्साहित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत पर तत्काल निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सच्चाई को सामने लाने का भी आह्वान किया। 60 प्लस के लोक है, तीन तीन तास थांबलेले आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही जर सांगितलं तर तुम्ही जा घरी, तर उद्या परत यावं लागेल त्यांना, कारण हे घेणंच भाग आहे। तर थोडे मी विनंती करतो, तुम्ही जरा आपले काका, आपले मामा, आपले वडील समजून या लोकांना ट्रीट, एका प्रभागातली मतं दुसऱ्या प्रभागात गेले ते हे काम महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं, मी तेवढंच मांडलं होतं। आणि त्याचबरोबर मी ऑब्झर्वेकडे असं म्हटलं होतं की मतदार यादीमध्ये मतं वाढवण्याकरता पैसे घेतले जातात आणि विरोधकांना त्या ठिकाणी त्यांची मतं कमी करण्याकरता पैसे घेतले जातात, हे बोललो मी। बाप तपासून बघा, अरे जे काय कोणाची खोटी नाव कोणी टाकली असेल ती पण काढून टाका, आमचं काय म्हणणं आहे त्याला। सखोल चौकशी करा, अरपारची चौकशी करा, अरे जे कोणी काय चुकीचे केले त्याच्यावर कारवाई करा, वी आर ओपन फॉर इट। अरे सत्ताधारी तुम्ही आहात, शासकीय अधिकारी तुमच्या अख्यातरीत आहेत, त्याला दबाव का त्याच्यावर म्हणजे हुकूमत गाजवण्याचं काम तुम्ही करणार। आम्ही पालकमंत्री असताना आम्ही कधी या गोष्टी नाही केल्या, आणि ज्या कोणाला संशय असेल ना त्या सर्वांनी आरपारची इन्क्वायरी मागावी ना। वी आर देअर टू सपोर्ट देअर डिमांड। त्याने केलेल्या मागणीला पाठिंबा द्यायला आम्ही पाठिंबा देतो। टोटल असलेला जो अधिकार ज्याचा त्याला अधिकार मतदानाचा मिळाला पाहिजे, ज्याचा अधिकार नाही तो कोणी जर निर्माण करत असेल तो अधिकार नाहीसा केला। मनपा मुख्यालय में मीडिया से रूबरू बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने सभी 8 प्रभागों में नया सेंटर बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मनपा ने जो समय सीमा तय की है उससे वैक्सीनेशन में ज्यादा वक्त लगेगा, ऐसे में यदि हर वार्ड में सेंटर बनेंगे तो टीकाकरण जल्द हो सकेगा और चिकित्सा कर्मियों पर भी तनाव कम पड़ेगा। उन्होंने मनपा कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। मैंने आयुक्त मोदी ने सांगितलं की थोड़ा सा त्यांचा सुद्धा आत्मविश्वास वाढवा, त्यांचा सुद्धा थोड़ा शाबासकी द्या, त्यांना काय जेवण खावण जे काय गरजेचं आहे ते पण सगळं द्या। एकूण 12 तास काय कोणी काय त्या ठिकाणी इंजेक्ट करण्याचं काम करू शकत नाही, तर त्याला विश्रांतीची गरज आहे। आता आम्ही मागणी केली की प्रत्येक वार्डमध्ये कोविड आपले लसीकरणाचं सेंटर ठेवा। बीजेपी विधायक गणेश नाइक के साथ रविंद्र थापे, अशोक नरबागे, अनंत सुतार, दशरथ भगत समेत कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।